हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं ये बना रही हूँ, ये आप जब भी आपका सब्जी खाने का मन ना हो और सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इसको बड़ी इजीली बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन के तैयार होती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्च मैंने बड़े साइज़ की ली है, आप चाहें तो इसमें मोटे साइज़ की भी ले सकते हैं। और ये मिर्चें तीखी नहीं होती हैं, तो यहाँ पे मैंने मिर्चों को पहले से ही वॉश करके इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको सीजर से कट कर रही हूँ। सीजर से ये आसानी से कट हो जाती हैं, आप चाहे तो चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैं मिर्चें ज़्यादातर सीजर से ही कट करती हूँ। तो एक एक मिर्चे ऐसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी मिर्चें कट चुकी हैं, ये काट ली है मिर्चे। और अब यहाँ दूसरी साइड मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया, मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और कोई तेल यूज़ नहीं करती। यहाँ पे मैंने जीरा और साबुत धनियों को थोड़ा सा कूट के इसमें मैंने डाल दिया है। और अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। मिर्ची डालते टाइम आप ध्यान रखना कि आपके जैसे मिर्ची चटकती है थोड़ी सी तो ये लग जाती है, तो आप थोड़ी दूरी बना के ही इसको डालें। और अब हम इसको तेल में 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये तीखी नहीं है हरी मिर्ची, तो इसलिए, क्योंकि ये थोड़ी सी तीखी और खट्टी होंगी तभी हमें इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है। ये ऑप्शनल, आप चाहो तो मत डालिए, लेकिन ये थोड़ी तीखी खट्टी अच्छी लगती है। यहाँ पे दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही हल्की सी अगर खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी मिर्ची का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दही को मैंने अच्छे से फेंट के इसमें डाल दिया। और दही डालने के बाद लगातार इसे चलाते रहना, नहीं तो जो दही है वो फट जाती है। देखो, जो हमारी दही है वो अच्छे से सूख चुकी है और उसने तेल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी मिर्चें हैं वो कलर देखो कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो आप, कई बार होता है हम बाहर वगैरह टूर वगैरह पे जाते हैं तो रास्ते के लिए भी आप पराठों के साथ ये मिर्ची बना कर लेके जाएंगे तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। तो आप इसको बहुत ही इजीली से बना सकते हो और इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे जो हमारी मिर्ची है वो अच्छे से बन गई है और इसका कलर देखो कितना अच्छा। और आप अगर मान लो आपको भूख भी नहीं है तो भी आप मिर्ची के साथ बिना भूख के भी आप 3 से 4 रोटी आराम से खा लोगे, तो ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी बनती है और मिनटों में बन के तैयार होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें रास्ते वगैरह के लिए, जहाँ आप घूमने जाते हो तो आप ज़रूर इसको बना कर देखें और खाएं।